हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हैप्पी नवरात्रे। आप सभी लोगों को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी को पता है, आज पहला नवरात्रा है और मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी। मैं लगा रही हूँ यहाँ पे माँ का दरबार। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छे से डेकोरेट कर पाऊँ माँ के दरबार को। एक्चुअली ना यहाँ पे हमारे टाइल्स लगे और कोई भी इधर ना ऐसे क्या बोलते हैं वो पेच वगैरह नहीं है कि मैं अच्छे से ना इसको दुपट्टे को अटका पाऊँ, तो इसीलिए ना मैं टेप से ही चिपका रही हूँ। मैंने टेप से चिपकाया है थोड़ा सा ना धागा, वो ना क्या बोलते हैं, बांध के, और फिर मैंने इसको मतलब एडजस्ट कराया किसी ना किसी तरीके से कि ये गिरे नहीं, क्योंकि गिरने का भी डर रहता है। और मैंने साइड में लगा दिए, देखिए दिए परमानेंट दिए हैं ये, और अब जो है चौकी रख दी है। अब मैं इसको फ्लावर से डेकोरेट करूँगी। फ्लावर जो है ना, ये फ्लावर जो है आर्टिफिशियल फ्लावर हैं, और ये भी मैं टेप से ही चिपकाऊंगी। डबल साइडेड टेप ली है मैंने। कोशिश यही कर रही हूँ कि अच्छे से, मैंने बहुत सारे ना कई सारी टेप लगा दी है कि गिरे नहीं, तो अपनी तरफ से कोशिश फुल कर रही हूँ कि बिल्कुल अच्छे से दरबार मेरा सज जाए। तो अभी दूसरी तरफ भी जो है ये टेप लगा के, और दूसरी तरफ भी माला लगा दूंगी मैं। फ्लावर की लड़ी है, और गर्वित ये देखिए मेरी हेल्प कर रहा है। हेल्प क्या कर रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, बीच में आके बार बार में हाथ मारे जा रहा है और ये बिल्कुल नहीं रुक रहा है। तो अभी जो है ना इसको मैं बोल रही हूँ चला जाए, लेकिन नहीं जा रहा है। बार बार ना आके वही कोशिश कर रहा है कि मैं भी बस हेल्प करा दूँ मम्मी की किसी ना किसी तरीके से। और ये देखिए एक माला को जो मैंने लड़ी को इस तरीके से राउंड शेप में करके ऐसे चौकी के चारों तरफ लगा दिया है, इससे जो है ना मतलब। और ये देखिए मैं इन्हें ये जो है ना फ्लावर की जो लड़ी है ना चारों तरफ से ऐसे फैला दूंगी इसको। और अभी जो है ना सारे देवी देवता स्थापित करूंगी। सबको धो दिया था सुबह मम्मी ने धो के रख दिया था, और सभी देवी देवताओं को मैं स्थापित कर रही हूँ। अभी जो है माँ को पहना लेते हैं माँ की ड्रेस। ये नई ड्रेस लेके आई हूँ। पहले मेरे पास ना रेड कलर की, ग्रीन, येलो, कई कलर की ड्रेस है, बट अब की बार मैं ना ये पीच कलर लेके आई हूँ, पिंक टाइप में। जैसा मेरे दुपट्टे का कलर है ना, उसी टाइप का माँ की ड्रेस का कलर है। बहुत प्यारा लगा मुझे, क्योंकि डार्क कलर हो गए थे, फिर अब मुझे लाइट कलर चाहिए था, तो इसीलिए ना लाइट कलर की ड्रेस लेके आई हूँ। अभी माला पहना दी है मैंने माँ को, ये दुपट्टा उड़ा देंगे हम। और माँ मेरी बहुत प्यारी लग रही है सच में, बहुत ज़्यादा। कैमरे में ना देखिए अच्छे से क्लियरिटी आ नहीं पा रही है प्रॉपर, बट सच बताऊँ तो बहुत मतलब अच्छा मंदिर लग रहा था मेरा, बहुत अच्छे मतलब माँ लग रही थी। तो अभी जो है सारे देवी देवताओं को मैं माला पहना दूंगी। सारे ना पहले धो लिए, माला वगैरह सब धो दिए थे, और अभी जो है ये माला पहना दूंगी मैं सभी देवी देवताओं को। अभी बारी आ गई कलश स्थापित करने की, और ये राइट साइड में मैंने कलश को स्थापित कर दिया है माँ के दाहिनी तरफ, और फूल माला पहना दी है माँ को। अब जो है मैं देखिए अपनी जो ये अखंड जोत है ना, इसमें घी डाल रही हूँ, और मेरी अखंड जोत है ना वो काफ़ी मतलब वैसे तो साइज़ ठीक है, लेकिन जो जिसमें हम दिया वो लगाते हैं ना, जोत लगाते हैं, वो ना उसका लेवल बहुत कम है। तो ये देखिए आधा ही घी डालना पड़ता है, फुल ऊपर तक हम इसको भर नहीं सकते, क्योंकि इसका वो छोटा है जिसमें वो लगता है ना, जोत लगती है वो छोटा है। तो इस वजह से ना मुझे नई अखंड जोत खरीदनी पड़ेगी, इसमें मुझे जल्दी जल्दी घी डालना पड़ता है। बहुत जल्दी घी खत्म होता है क्योंकि ये छोटा है ना, इसीलिए देखिए आधी भरी है, पूरी ये भरती नहीं है, तो इसीलिए ना। तो अगले नवरात्रों में मैं जो है ना नई अखंड जोत खरीदूंगी। ये जो है माँ का श्रृंगार मैंने रख दिया, ये मंदिर में चढ़ाएंगे अष्टमी वाले दिन। अब ये माँ का श्रृंगार जो है यहीं रखा रहेगा। और अब जो है ना मैं जो प्रसाद वगैरह बना मतलब रख रही हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ पे जो है थोड़ी सी रोली ले ली है ये लगाने के लिए, प्रसाद लगा लिया है, थाली सजा रही हूँ मैं माँ की, धूप वगैरह दिया वगैरह लगाऊंगी अभी। ये जोत लगा ली है मैंने, अब चलिए पूजा कर लेते हैं माँ की। प्रसाद थोड़ा सा ना, जब हम वो उपला जलाते हैं ना, कपूर लगाते हैं, तो थोड़ा सा प्रसाद भी उसमें डालते हैं, तिलक कर लेते हैं चलिए माँ को।
जय मांबे जगदम्बे मैया महारानी के सदाई जय। तो फ्रेंड्स अगर ना आपको वीडियो अच्छी लगे ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बताइएगा कमेंट में कि मेरी माँ का दरबार कैसा सजा है, कैसी लग रहा है मेरा मंदिर जो मैंने किचन में बनाया है अभी। कहते हैं चैत्र शुक्ल पंचमी से आरंभ होने वाले नवरात्र वार्षिक नवरात्र कहलाते हैं। माँ दुर्गा के साधक भक्त जो स्नान आदि में शुद्ध मन होकर के शुद्ध वस्त्र पहनकर मंडप में श्री दुर्गा जी की मूर्ति अथवा चित्र स्थापित करना चाहिए। मूर्ति के दाहिनी ओर यश की स्थापना करनी चाहिए। शुद्ध वस्त्र पहनकर मंडप में दुर्गा जी भगवान की मूर्ति अथवा चित्र स्थापित करना चाहिए। मूर्ति के दाहिने ओर कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश के ठीक सामने जोग होने चाहिए। मंडप के पूर्व कोण में दीपक की इस शुभ स्त्रोत का जप सदा करते रहना चाहिए। इस स्त्रोत के मंद स्वर में पाठ करने से थोड़ा फल मिलता है, उच्च स्वर में अधिक फल मिलता है, सभी सिद्धियों प्राप्त होती है। अतः उच्च स्वर में पाठ याद करें जिस भगवती की कृपा द्वारा सुभाग्य आरोग्य संपत्तियां शत्रु नाश एवं परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स पूजा वगैरह हो गई है और अब फ्री हुई हूँ मैं सुबह से। अभी पूजा करके फिर मैंने चाय वाय बनाई इनकी और अपनी मम्मी की और फिर बच्चों को खाना खिला के अब आपसे बात कर रही हूँ। पहले बच्चों को खाना बना दिया, बस अनुष्का अवनी और पापा मम्मी मतलब मेरा और इनका फास्ट है। हम दोनों मतलब मैं रखूँगी मतलब सप्तमी तक अष्टमी की कढ़ाई करेंगे और ये रखेंगे पहला और सप्तमी का मतलब दो रखेंगे जोड़े से। तो मेरे फास्ट चलेंगे अभी। पूजा ना पूजा का मंदिर वंदिर कैसा लगा प्लीज़ 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 कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि मैंने जो डेकोरेट करा है मंदिर को अपना कैसा किया। और किचन में मैं इसलिए करा, देखो क्या है ना कि मेरा जो मंदिर है ना वहाँ पे ना बैठने का स्पेस नहीं है, रस्ते में आता है तो फिर बैठ के नीचे पूजा नहीं होती। और जो नवरात्रों की पूजा होती है कलश वगैरह स्थापित करके बैठ के पूजा मतलब करना मुझे पर्सनली ज़्यादा अच्छा लगता है, खड़े होकर मुझे नहीं इतना अच्छा लगता। तो बैठ के पूजा करने में जो शांति मिलती है ना शायद वो खड़े होकर नहीं मिलती है। तो मैं सोच रही थी बैठ के पूजा, इसीलिए हम ना शुरू से ही किचन में लगाते हैं मतलब मंदिर ना शुरू से ही किचन में लगाते हैं। तो कई लोग ये कहते हैं कि झूठे बर्तन रखे होने होते हैं किचन में, तो फिर एक्चुअली तो रात को तो मेरे ख्याल से कोई भी रात को झूठे बर्तन नहीं छोड़ता होगा। हम साथ के साथ जाते हैं और साथ के साथ धो के रख देते हैं, बिल्कुल बर्तन नहीं छोड़ते हैं किचन में। और प्याज लहसुन हम यूज़ नहीं करते, हम मेरे ख्याल से कोई भी यूज़ नहीं करता जो माता को स्थापित करता है मतलब कलश स्थापित करता है, वो प्याज लहसुन नहीं डालते हैं खाने में। बाकी हम जो है इसीलिए ना मंदिर किचन में बना देते हैं ताकि माता मतलब ये नहीं है कि अगर मान लो हम प्याज लहसुन डाल रहे हैं ना तो फिर थोड़ा लगता है कि किचन में क्यों रख लिया मतलब भगवान को। पर मैं किचन में इसीलिए रखती हूँ क्योंकि हमारे और कहीं स्पेस भी नहीं है रूम में, फिर बच्चे इधर उधर घूमते, फिर फैन भी चलता है तो फिर थोड़ा जोत की भी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर हम जोत लगाते हैं ना। और फिर गर्भित भी छोटा है, वो भी किचन में तो चलो नहीं जाता इतना पर रूम में घूमता है तो गर्भित के बारे भी। वैसे मैंने अब की बार सोचा था कि मैं रूम में रख लूँ किसी में, अनुष्का वाले में रख लूँ अपने वाले में, फिर बस यही रहा कि किचन बेस्ट लगता है मैं शुरू से। बट बस उसमें ना थोड़ी लाइटिंग की प्रॉब्लम है, मुझे थोड़ा अभी भी डर लग रहा है सच बताऊँ तो, मुझे डर ये लग रहा है क्योंकि सिलेंडर रखा है और फिर उधर से बिजली का वो कनेक्शन दे दिया मैंने और फिर नीचे से मैंने वो मैट भी लगा रखा है, थोड़ा रिस्क तो है। बट मैंने अभी सिलेंडर को ना बंद कर दिया है और रात को भी मैं सोऊंगी ना सिलेंडर ऑफ करके ही सोऊंगी ताकि कोई रिस्क की तरह ना रहे। और बाकी मैं थोड़ी थोड़ी देर में चेक भी करती रहूँगी, थोड़ा बस माता रानी सब कुशल मंगल रखे, सब सही रखे। बाकी मैं सोच रही थी लाइटिंग और लगाऊँ थोड़ी सी, अनुष्का भी बोल रही थी मम्मा सिंपल लग रहा है लाइटिंग थोड़ी और लगाओ, बट स्पेस ही नहीं क्योंकि वो टाइल है ना उसमें टेप वगैरह चिपकती है नहीं और ना ही कोई उसमें ना वो है क्या बोलते हैं कोई भी पेच वेच लगा हुआ है कि मैं उस पर अटका दूँ। तो इसीलिए ना मैंने टेप से जितना चिपका पाई उतना चिपकाया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं दिवाली पे अच्छे से डेकोरेशन करेंगे और अगली बार ना माता रानी का जो वो है ना मैं सोच रही हूँ अगली बार रूम में किसी में रहूँ तो अच्छे से डेकोरेट करूँगी, अब की बार इतना ही ठीक है। तो अनुष्का कह रही थी थोड़ा और कर सकते थे लेकिन ये जो है ना जितना कर रहे हैं ना मतलब बहुत दिल से कराई हो आप लोगों को भी अच्छा, आप लोगों को भी अच्छा लगा हो। तो फ्रेंड्स अभी जो है ना मैं अवनी की वर्कशीट कराती हूँ, अभी देखो 2 बज रहे हैं और मैंने आज उसका काम नहीं कराया स्कूल का, तो अभी मैं उसका काम कराती हूँ।
और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे ना आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अभी जो न्यू वीडियोस आने वाली है ना आप लोगों के लिए, वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल आने वाली हैं। तो प्लीज़ अगर आप देखना चाहते हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करो। क्या करो गर्वित, बोलो सब्सक्राइब करो। अच्छा बोल दो लाइक करो, बोलो लाइक करो, ऐसे बोल दो लाइक करो, लाइक करो, ज़ोर से बोलो। अच्छा फिर बाय कर दे, बाय बाय।